हेलो एवरीबॉडी गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा सबके सब फिट एंड फाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हम सबके यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है टेक्निकल अवी। गाइस, आज की जो वीडियो है उसमें हम आईक्यू ऑप्शन की एक स्ट्रैटजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हाँ, हालांकि काफ़ी सारी वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ जिसमें काफ़ी सारी स्ट्रैटजीज़ मैंने आपको बताई हुई है, लेकिन यार क्या ना, टाइम के साथ ना जो स्ट्रैटजीज़ हैं कई बार आपको प्रॉफिट देना बंद कर देती है या वर्क करना बंद कर देती है। तो ये जो वीडियोज़ हैं स्ट्रैटजी से रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर नए नए स्ट्रेटजीज आपको मिलती रहती है टाइम और ट्रेंड्स और मार्केट को चेक करने के लिए और चेक करके ट्रेड लेने के लिए। तो आज की वीडियो में भी हम यही चीज डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आईक्यू ऑप्शन का इंटरफेस लॉगिन है, लाइव अकाउंट से अभी हम है, $50 के अकाउंट है, लाइक 50 अकाउंट्स का रियल बैलेंस हमारे पास है, रियल बैलेंस के साथ ही टेस्टिंग देंगे। तो यार देखो, यहां पर ना आपको कुछ इंडिकेशन मिल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ इंडिकेशंस आपको मिल रहे हैं। तो जैसे ही आपको ग्रीन कलर का एरो मिलता है, इट मींस मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहने वाला है। अब देखिए, मैं स्ट्रैटेजीज़ को अभी ना, लाइक ये जो स्ट्रैटेजी है इसको डिस्क्राइब करने से पहले आपके कुछ क्वेरीज़ का आंसर करना चाहूँगा, क्या, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो को पूरी नहीं देखते और बहुत सारी क्वेरीज़ पूछते हैं, तो इसलिए मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही उनकी क्वेरीज़ का आंसर दे देता हूँ। तो यार बहुत सारे लोग हैं मुझसे पूछेंगे कमेंट्स में कि क्या ये जो स्ट्रैटजी है इसको हम यूज़ कर सकते हैं बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स के साथ? तो इसका आंसर है नो, नहीं कर सकते। हालांकि कुछ एप्लीकेशंस होंगी जिसके बारे में मुझे नहीं पता होगा, तो आप चेक करके ज़रूर देख लेना, बट जितना कि मुझे पता है आप सारी प्लेटफॉर्म्स के साथ नहीं यूज़ कर सकते, आईक्यू के साथ डेफिनेटली आप कर सकते हो। दूसरी जो बात है, आप काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि क्या ये नॉन रीपेंट है या रीपेंट है? तो डेफिनेटली यार आंसर है कि ये रीपेंट है, नॉन रीपेंट नहीं है। हालांकि टाइम के साथ ये मूवमेंट लेता है। अब बहुत सारे लोग हैं जो MT4 में ऑलरेडी काफ़ी सारे इंडिकेटर्स यूज़ कर चुके हैं, जिन्हें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, तो वो बोलेंगे कि भैया हम आईक्यू ऑप्शन के इंडिकेटर को, इनबिल्ट को क्यों यूज़ करें? हम यूज़ कर सकते हैं, जब हम यूज़ कर सकते हैं MT4 के इंडिकेटर्स को, तो ये इंडिकेटर हम क्यों यूज़ करें, जबकि ये तो IQ ऑप्शन के अंदर डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है। तो यार भैया एक बात बताऊँ आपको, यार हमारा जो दिमाग है ना वो अलग चलता है, थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चलता है, दैट्स वाई हम यहाँ पे हैं। तो आज की जो स्ट्रैटजी है इसके बारे में भी आपको मैं काफ़ी अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये जो स्ट्रैटजी है, देखिए कोई स्ट्रैटजी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन खामियां ज़रूर होती है, और वो खामियां यानी लूप होल्स ज़रूर होते हैं, और वही मैं आज आपको बताने वाला हूँ वीडियो के अंदर। लास्ट तक वीडियो देखना, एक बार और बता देता हूँ, रिमाइंड कर देता हूँ। दूसरी जो चीज़ है, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, नहीं ज्वाइन हुए हो तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका टेलीग्राम पे ज्वाइन होना। बहुत सारी लेटेस्ट अपडेट्स हैं जो कि सिर्फ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी और कहीं नहीं मिलती है। और एक और बात, चैनल पे बिल्कुल नए हो तो सब्सक्राइब करो यार, चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दो। और एक और चीज़ यार, वीडियो को लाइक कर देना, लास्ट थिंग। चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अभी जो आप जो चार्ट देख रहे हो ना, ये लाइव आईक्यू ऑप्शन का चार्ट है, और ये जो स्ट्रैटजी है, सबसे पहले इसको अप्लाई कैसे करते हैं, क्या मॉडिफिकेशंस आपको करने हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो भैया जो स्ट्रैटजी है उसका नाम है फ्रैक्टल, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। पॉपुलर पे आपको जाना है, पॉपुलर पे जाने के बाद आप देखें यहाँ पे ये स्ट्रैटजी के नाम से आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डबल क्लिक हो गया, हाँ, तो उस पे आपको क्लिक करना है, देन डिस्कस करते हैं फर्दर। ओके, क्लिक करने के बाद ये ग्राफ आपका खुलता है। तो यहाँ पे 5 आपको बेसिक पीरियड मिल रहा है, ठीक है, इसको आपको 5 हटा के 9 कर देना है, ठीक है। और ये जो रेड कलर वाला है इसको थोड़ा सा और रेड कर दो अपनी मर्जी के हिसाब से, बाकी कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे आप जैसे इसे अप्लाई करोगे स्ट्रैटजी अप्लाई हो जाएगी। देखिए स्ट्रैटजी अप्लाई हो गई। अब थोड़ी देर पहले आपने यहाँ पे एक एरो देखा होगा जो डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ था, कि भाई इतने से ज़्यादा ऊपर नहीं जाने वाला, लेकिन ये नॉन रीपेंट है, मैंने माफ़ी चाहूँगा, रीपेंट है, मैंने आपको पहले ही कहा था, इसमें मूवमेंट्स आपको देखने को मिलेंगी। तो आपको करना क्या है, 2 से 3 ग्राफ ओपन करके रखने, ठीक है, 2 से 3 आपको ग्राफ ओपन करके रखने, या फिर ज़्यादा भी आप कर सकते हो, जितने भी ज़्यादा आप ग्राफ चाहो ओपन करना रखना, उन सब में ये स्ट्रैटजी तो बाय डिफॉल्ट अप्लाई होगी ही। तो इसमें यह ना सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इस स्ट्रैटजी का, कि यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा। पहली चीज़, हर एक मिनट में आपको यहाँ पे इंडिकेशंस नहीं मिलने वाले, यहाँ पे आपको कई बार 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट भी वेट करना पड़ेगा इंडिकेशंस का। देखिए यहाँ पे 1 मिनट का चार्ट अभी ओपन कर रखा है मैंने। अब देखिए, अब नॉर्मल लोगों, जो बिल्कुल नॉर्मल होंगे, जिनका मतलब सोचने का नज़रिया एक लिमिटेड तक होगा, यानी कि मतलब एक जगह तक आके रुक जाता है, उनकी बात नहीं करते, लेकिन अब बात करते हैं हम लोगों की। तो यार गाइज, आप जुड़े हो टेक्निकल अवी फैमिली के साथ, तो हम थोड़ा सा वाइड और थोड़ा सा अलग सोचते हैं, हमेशा से सोच रखते हैं। तो यार एक चीज़ सबसे पहले दिमाग में मेरे ये आ रही है
कि आईक्यू ऑप्शन ने जब ये हमें स्ट्रैटजी दे रखी है तो भैया ये तो आईक्यू ऑप्शन ने अपना नुकसान कर लिया, क्योंकि अगर ये स्ट्रैटजी वर्क कर जाती अच्छे से, ठीक है, अगर ये नॉन रिपेंट होती, अगर नॉन रिपेंट भी नहीं है, रिपेंट भी है तो भी यहाँ से हम अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं। अगर हम पूरे दिन का वेट करें, सिर्फ 2-3 प्रॉफिटेबल सिग्नल यहाँ से निकाल लें, तो और हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ मेरे सबसे पहले दिमाग में आई, भैया ये आईक्यू ऑप्शन ने ये स्ट्रैटेजी क्यों इंट्रोड्यूस की है अपने यूजर्स के लिए, जो इंडिकेटर्स हम MT4 के द्वारा यूज़ करते हैं वो इंडिकेटर्स आपने यहाँ पे फ्री में दिया हुआ है, ठीक है, जो कि पेड इंडिकेटर्स होते हैं मोस्टली। फ्री इंडिकेटर्स तो चलो कुछ काम के नहीं होते, पर जो पेड इंडिकेटर्स होते हैं उनकी बात करते हैं। तो भैया उसके बाद मैंने काफ़ी टाइम से इस स्ट्रैटजी के पीछे लगा रहा था कि क्या कोई लूप होल मुझे यहाँ पे मिल जाए, कोई ऐसा तरीका जिससे कि यहाँ से अच्छा खासा पैसा बना सकें इस स्ट्रैटजी को यूज़ करके और अपने यूज़र्स तक पहुँचा सकूँ, क्योंकि मेरा तो काम ही वही है कि यही काम है भैया, टेस्ट करते रहो स्ट्रैटजीज को और आप लोगों तक पहुँचाऊँ ताकि आप लोग उसका फ़ायदा उठा सको। तो देखें यहाँ पे ना नॉन रिपेंट होने का भी ये एक रिपेंट होने का भी एक फ़ायदा हम उठा सकते हैं। कैसे? देखिए अभी तक हमें कोई इंडिकेशंस नहीं मिले हैं, थोड़ा सा अदर करेंसीज पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। अभी तक हमें कोई इंडिकेशंस नहीं मिले थे इस पर्टिकुलर करेंसी पे, या हाल ही में देखिए ये इंडिकेशन हमें मिला था, इसके बाद कोई इंडिकेशंस यहाँ पे अभी तक नहीं मिले। हालांकि यार मुझे लगता है इस करेंसी पेयर पे जल्दी एक इंडिकेशन मिलने वाला है, ठीक है, तो थोड़ा सा शायद वेट करना अच्छा रहेगा यहाँ पे, और डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए मिलेगा मुझे जहाँ तक लगता है, बट लेट्स सी, थोड़ा सा वेट करेंगे एंड डेफिनेटली देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पे हम जो लूप होल की मैं बात कर रहा था वो ये कि देखिए जैसे ही आपको ये एरो मिलते हैं ना, एरो, अब देखिए मैंने वो जो टाइम पीरियड है वो मैंने 9 सेलेक्ट किया था, उसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि मैं सारे टाइम पीरियड्स के साथ चेक कर चुका था, जहाँ तक 50 तक मैं चेक कर चुका था, बट सबसे अच्छे रिजल्ट्स जो मुझे मिल रहे थे वो 9 के साथ मिल रहे थे, ठीक है। क्योंकि यार एक जो वीडियो है ना बनाने के लिए, एक स्ट्रैटजी आप लोगों के लिए ढूंढने के लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है, और अगर आप लाइक नहीं करते ना वीडियो को तो अप्रिसिएशन नहीं मिलता, मज़ा नहीं आता यार नेक्स्ट वीडियोस के लिए आपके लिए काम करने में। तो यार एक लाइक कर दिया अगर वो कुछ नहीं जाता आपका एक लाइक करने से, बट आपके एक लाइक करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है। तो यहाँ पे काफ़ी दिनों से मुझसे ना लोग यही चीज़ पूछ रहे थे, सर स्ट्रैटजीज़ की वीडियो नहीं आई है, बहुत टाइम हो गया है, कोई स्ट्रैटेजीज़ की वीडियो बनाओ। तो ये आ गई आपके लिए स्ट्रैटेजी की वीडियो, लेकिन यार ये चीज़ आपको भी समझनी चाहिए कि एक स्ट्रैटेजी की वीडियो बनाने के लिए ना ऐसा नहीं कि मुझे कोई स्ट्रैटेजी दिखी और मैंने सीधा ही बना दी, उसमें टाइम बहुत लगता है। एक स्ट्रैटेजी की वीडियो को ढूंढने में, उसको बनाने में, उसका टेस्टिंग में बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है भैया ये मैं चीज़ सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, क्योंकि एक वीडियो अगर मैंने बना दी यूट्यूब पर तो वो सालों साल वहीं की वहीं पड़ी रहेगी। आपके जैसे काफ़ी सारे यूज़र्स हैं, अगर वहाँ तक वो पहुँच जाती है वीडियो और उसमें ज़रा सी गलती होती है तो यार मेरी वजह से किसी का नुकसान हो जाए ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता अपने से। तो यही रीज़न है काफ़ी टाइम इन्वेस्ट करके एक स्ट्रैटजी की वीडियो आती है ताकि आप उसे अच्छे से यूज़ कर पाए। अरे यार यहाँ पे इंडिकेशन मिला था बट वी मिस्ड इट, ओके। तो यहाँ पे अभी भी मैं जो इंडिकेशन है उसके साथ ही जाने वाला हूँ और 2 या 3 मिनट की ट्रेड लूँगा डेफिनेटली। यहाँ पे 26:30 तो मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर दी है। अरे यार बहुत लेट प्लेस होती है यहाँ पे, थोड़ा नेटवर्क कनेक्टिविटी इशू है। तो यहाँ पे मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड जो है वो प्लेस कर दी है। इन्वेस्टमेंट है हमारा $5 का रियल अकाउंट से, अभी हम लॉगिन हैं और देख लीजिएगा यार एक बार रियल अकाउंट ही है, कभी काफ़ी सारे लोगों को डाउट भी रहता है। तो भैया रियल अकाउंट से लॉगिन है और मैंने ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड क्यों प्लेस की इस इंडिकेटर को देख के, देखिए गाइस सिंपल सा लॉजिक है। देखिए एक मिनट की ट्रेड लेने में ना ज़्यादा रिस्क है, देखिए ऐसा कोई बात नहीं है अगर आपको ये इंडिकेशन मिलता है तो आप एक मिनट की ट्रेड भी ले सकते हो पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के साथ, बट रिस्क कैसे है ना कि देखिए अभी अगर हम यहाँ पे हमें इंडिकेशन मिला तो यहाँ पे अगर हम एक मिनट की ट्रेड लेते हैं इस कैंडल पे तो हमें ज़्यादा फायदा हो जाता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे नहीं लेके यहाँ पे ले रहे हैं ना दूसरी एक कैंडल पे जो ग्रीन कलर की बन रही है तो वहाँ पे आपको बड़ी ट्रेड लेना ही प्रॉफिटेबल हो सकता है। हालांकि मैं गारंटी के साथ नहीं कह रहा कि हम प्रॉफिट ही करेंगे, बट इवन दो जो हायर चांसेस होते हैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब कोई और करेंसी देखते हैं और यहाँ पे भी हमें इंडिकेशन मिल चुका है और डेफिनेटली मैं लेने वाला हूँ एक मिनट की ट्रेड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैंने प्लेस कर दी है, ठीक है। अब देखिए डॉलर एक के साथ ही लग गई है, लेकिन अब एक चीज़ देखेंगे आप, वो नॉन रिपेंट, ये मैंने आपको कहा था ये रिपेंट है नॉन रिपेंट नहीं है, वो जो इंडिकेशन हमें मिला था वो जा चुका है, वो गायब हो चुका है, लेकिन इसका एक तोड़ है वो क्या, देखिए अभी वो गायब हो चुका है, हमें एक इंडिकेशन यहाँ पर मिला था बट अभी वो इंडिकेशन नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, $1 की ट्रेड हमने ली थी वो लॉस में जाएगी, अभी गारंटी नहीं है बट जा सकती है, ज़्यादातर चांसेस हैं उसके लॉस में जाने के। अब मैंने एक $2 की ट्रेड ले ली है, ठीक है, अब मैंने एक $2 का जो अमाउंट है वो सेलेक्ट कर लिया है और अभी मैं ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ $2 की। अभी जस्ट अ सेकेंड,
यहाँ पे हम प्लेस करेंगे आहा ओके अभी हम यहाँ पे रिजल्ट आ गया भैया इसका तो हम लॉस में चले गए $1. अब जो है हम $2 की ट्रेड प्लेस करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में. देखिए अब क्यों मैंने ऐसा किया, हालांकि दो जगह पे प्लेस हो गई है ट्रेड, दो अलग करेंसी सेम है बट अमाउंट दो बार लग गया है. हाँ हालांकि यार वो ग्राफ दो बार ओपन हो गया था. ठीक है तो देखिए मैंने ऐसा क्यों किया, देखिए इसके पीछे रीज़न है. हालांकि ये ट्रेड में प्रॉफिट करूं या लॉस करूं डजंट मैटर, बस इसके पीछे जो कारण था मेरा ये करने का, देखिए यहाँ पे मुझे एक इंडिकेशन मिला था. इंडिकेशन ये कह रहा था कि आपका जो ट्रेड है फॉर अ मिनट या फिर अब से लेके आपका जो सिग्नल है, आपका जो कैंडल है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहने वाला है. ठीक है गाइज यार ध्यान से सुनना, यार बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान से सुनना. ये जो सिग्नल्स हैं, ये जो मेरी स्ट्रैटेजी है जो भैया मैं खुद बनाता हूँ, ये आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट देके जा सकती है. लेकिन दिमाग लगाने की ज़रूरत है भैया, दिमाग लगाने की. ये दिमाग कोई लगाता नहीं है, लेकिन आपका भाई टेक्निकल अभी इसीलिए बैठा हुआ है. तो यार देखिए अब यहाँ पे जब हमें एक इंडिकेशन मिला था डाउनवर्ड डायरेक्शन का कि यहाँ से ट्रेड डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहने वाली है, लेकिन हुआ क्या उसके बाद, ट्रेड का वो जो इंडिकेशन है वो गायब हो गया और अपवर्ड डायरेक्शन में कैंडल बनना स्टार्ट हो गई. तो आपको बिना सोचे समझे 2 मिनट या 1 मिनट की ट्रेड अपवर्ड डायरेक्शन में प्लेस कर देनी है, या लेस देन 1 मिनट, डजेंट मैटर. ये देखिए ये जो इंडिकेशन था ये भी हम प्रॉफिट में ही है. मैंने कहा था जब आपको इंडिकेशन मिल जाता है उसके बाद काफ़ी टाइम तक आपका जो मार्केट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही रहने वाला है. अब ये इंडिकेशन अभी हमने 2 ट्रेड ली हैं, दोनों की दोनों प्रॉफिटेबल सिग्नल थे. एक ट्रेड हमने ली थी जो लॉस में ज़रूर गई थी, लेकिन अगर वो नॉन रिपेंट सॉफ्टवेयर होता तो ज़्यादा हेल्पफुल होता, लेकिन अब ये रिपेंट है इसका बावजूद हम इसका यहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं. अब ध्यान से देखना है, ऐसे ही नहीं यार लोग ना लेके, देखिए ये जो स्ट्रेटजीज ये बनाते हैं ना, देखिए हम $5 का प्रॉफिट भी ले लिया यहाँ से. देखिए ये जो स्ट्रैटजीज लोग बनाते हैं ना, ये जो सोचा होगा एक ही ऑप्शन ने, लेकिन इनकी कमियां जो रहती है ना छोटी छोटी, वो आपका भाई आपके सामने लेके आ सकता है. इसी बात पे एक लाइक ठोक देना यार, और एक प्यारी सी ज़रूर कमेंट कर देना. यूज़ करना स्ट्रैटजी को, और भाई देखिए हमारा जो यूज़ करने का तरीका होता है ना वो सबसे अलग होता है, सबसे अलग होता है. तुम्हारे भाई ने 9 से 0, 3 से लेके 50 तक सारी टेस्टिंग कर ली सिग्नल्स की, सारी टाइम पीरियड की टेस्टिंग करने के बाद ये पर्टिकुलर सिग्नल आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, ये पर्टिकुलर स्ट्रैटजी आप लोगों के लिए लेके आया हूँ. तो यहाँ पे देखो अब हमारे पास, अब हमें ट्रेड नहीं लेनी है. देखो अब रिलैक्स, अब देखो थोड़ा सोचो, अब हमें क्या करना है, अब हमें वेट करना है. देखिए हमें यहाँ पे एक सिग्नल मिला था, हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिया, हम प्रॉफिट में गए. हमें यहाँ पे एक नॉन रिपेंट सिग्नल मिला था, माफ़ी चाहूँगा यार मेरा नॉन क्यों दिमाग में आ रहा है बार बार, रिपेंट एक सिग्नल हमें यहाँ पे मिला था. एंड देन हुआ क्या, रीपेंट हमें एक सिग्नल मिला था और जैसे ही वो हमने ट्रेड ली डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो वो गायब हो गया. एंड गायब होने के बाद हमने उसका क्या फ़ायदा उठाया, हमने अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड ले ली और हम विन कर गए. ठीक है आई होप कि आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप आई क्यू ऑप्शन यूज़ कर रहे हो तो जो फ्रैक्टल का जो टाइम पीरियड है वो आपको 9 सेलेक्ट करना है, बिना ये सोचे समझे कि भैया मैं टेस्ट करूँ 3 से लेके 50 तक. यार आपको एक एक टाइम पीरियड टेस्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. मैं बैठा हूँ यहाँ पर, मैं आपके लिए डेफिनेटली टेस्ट कर ही रहा हूँ. ठीक है तो आपको एक एक टाइम पीरियड टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको करना क्या है जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें करनी है. अपना दिमाग मत लगाना एक्स्ट्रा. अगर आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं तो आप यूज़ करो अपना दिमाग, मैं कभी मना नहीं करता, लेकिन अपना दिमाग लगा के लोग लॉस ज़्यादा कर लेते हैं, लालच में आ जाते हैं. तो लालच में नहीं आना, फर्स्ट ऑफ ऑल धीरे धीरे ट्रेड करके प्रॉफिट लेना है. तो देखो अब कुछ लोगों के जो दिमाग में आ रहा होगा ना कि भैया ये नॉन रिपेंट है उसके, अरे यार फिर से नॉन रिपेंट, तो ये रिपेंट है. अभी हम एक ट्रेड लेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, बट टाइमिंग हम बढ़ा देंगे. ओके मैं अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड लेने वाला हूँ. मैंने टाइम अपवर्ड डायरेक्शन मैंने ट्रेड प्लेस कर दी है. इन्वेस्टमेंट मेरी $1 है और टाइम जो है हमारा लगभग 2 मिनट अभी है. ओके तो मैं क्या कह रहा था कि यार देखो हम जब ट्रेड लेते हैं ना तो हमारे दिमाग में ना प्रॉफिट ज़्यादा करने का लालच आ जाता है और जिसकी वजह से हम लॉस कर जाते हैं. ये नहीं देखते यार हमारा अकाउंट बैलेंस कितना है, हम क्यों ये इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम नहीं देखते हैं. काफ़ी सारी स्ट्रैटजीज जो हैं आप यूज़ भी कर रहे होंगे लेकिन आपको उससे फ़ायदा भी नहीं होता. अब इस स्ट्रैटजी की बात कर रहे हैं तो कुछ लोग होंगे, काफ़ी ज़रूर होंगे जिनके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा और जिसका आंसर भी मैंने स्टार्टिंग में दे दिया था कि यार ये नॉन रिपेंट तो है नहीं, ये रिपेंट है. इवन दो आई क्यू ऑप्शन वालों ने ये क्यों दिया अपने आप को बर्बाद करने के लिए, यानी कि आई क्यू ऑप्शन वाले खुद ये स्ट्रैटजी हमें प्रोवाइड कर रहे हैं.
ठीक है, कि भैया यहाँ के बाद मार्केट डाउन रहने वाला है, यहाँ के बाद अप रहने वाला है? नॉट एट ऑल ब्रदर, नॉट एट ऑल। अगर आप ऐसा सोच रहे हो ना, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। आई क्यू ऑप्शन आपको जो स्ट्रैटेजीज प्रोवाइड करता है, या कोई भी ब्रोकर बाइनरी का हो या फिर फॉरेक्स का हो, जो भी स्ट्रैटेजीज आपको प्रोवाइड करता है, उसका ये मतलब नहीं है कि वो 100% सही है। बिल्कुल नहीं होती, उसमें बहुत खामियां होती हैं। लेकिन उन्हें वो क्या करते हैं ना, हमें एक स्ट्रक्चर दे देते हैं बना के, स्ट्रक्चर इन द सेंस एक ढांचा दे देते हैं, और उस ढांचे को कंप्लीट करते हैं हम लोग। यानी कि उसमें कमियां ढूंढ के उस स्ट्रेटजी को यूज़ कैसे करना है बढ़िया तरीके से, वो मैं आपको बताता हूँ, या फिर बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब पर जो आपको बताते हैं। और बिलीव मी यार, ट्रस्ट मी, एक स्ट्रेटजी लाने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो यार गाइज, बहुत सारी कमेंट्स मुझे मिलती हैं कि सर स्ट्रैटजी से रिगार्डिंग जो कमेंट्स, जो स्ट्रैटजी से रिगार्डिंग जो वीडियोस हैं, वो ज़्यादा लाया कीजिए। या फिर एक और चीज़, मैंने जो कल या परसों शायद एक पोस्ट डाला था टेलीग्राम पे, जहाँ पे मैंने एक पोल लिया था कि मोस्ट ऑफ़ द वीडियोस आप कौन सी देखना पसंद करोगे, आप स्ट्रैटजीज पे वीडियो देखना पसंद करोगे, या फिर आप जो वीडियोस हैं वो सब्सक्राइबर्स के अकाउंट्स पे देखना पसंद करोगे। तो ज़्यादातर लोग, यानी 50% से ज़्यादा लोगों का जो पोल था, यानी जो वोट था, वो स्ट्रैटजीज पे आया था। और डेफिनेटली इसीलिए मैं ये जो वीडियो है आज लेके आया हूँ। हालांकि मेरा पोस्टिंग का जो टाइम था, मुझे लगा थोड़ा लेट पोस्ट करूँगा ये वीडियो, बट आज जो है ये वीडियो लेके आ गया सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा चाहते हो कि स्ट्रैटजीज की वीडियो आए और जल्दी से जल्दी आए। तो यही कारण है। देखो यार, ये भी ट्रेड अगर हम विन कर सकते थे, अगर ये थोड़ा सा 10 सेकंड शायद और होते हमारे पास, कोई बात नहीं, लेट्स सी। ओके, ये ट्रेड हमें थोड़ी सी और बड़ी लेनी थी, हालांकि 2 मिनट की ले ली। अगर थोड़ा सा और बड़ी ट्रेड लेते तो माइट बी पॉसिबिलिटी थी हमारी ये ट्रेड को विन करने का हमारे पास। जस्ट 4 सेकंड्स 2 सेकंड्स 1 सेकंड्स एंड वी लॉस्ट $1। अब देखेंगे, अब हम यहाँ पे $1 लॉस कर गए हैं, लेकिन अभी तक ये जो साइन है ये यहीं पे ही है। इसका मतलब हमारे पास $2 का ट्रेड लेने का टाइम बिल्कुल सही है। अब हम ट्रेड लेंगे, नहीं 5 मिनट की तो नहीं, बट 7:46 and 7:40 7:50। ओके, हम 5 मिनट की अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड ले चुके हैं। हाँ यार, फिर से लेट प्लेस हुई है। हम 5 मिनट की अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड ले चुके हैं। इस बार हमारी इन्वेस्टमेंट है $2। हालांकि याद कीजिएगा, जब हमने ये सेशन स्टार्ट किया था, हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट थी $50 की, बट अभी हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो है $53.58, जिसमें से हमने एक ट्रेड भी प्लेस की हुई है $2 की। इसका मतलब हालांकि हम प्रॉफिट में ही हैं, ओवरऑल प्रॉफिट में ही है, और जो गोल होता है ना हम सबका, वो ओवरऑल प्रॉफिट में ही होना चाहिए। यार उम्मीद करूँगा, भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि यार एक तो ये चीज़ बता देना कमेंट करके कि भाई बोर तो नहीं हो रहे यार वीडियो को देख के, क्योंकि मेरा तो यार क्या है ना, थोड़ा लंबा वीडियो ज़रूर चला जाता है, बट इन दी एंड मोटिव यही रहता है कि कंटेंट आपको अच्छा प्रोवाइड करूँ, ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करूँ जो आज तक यूट्यूब पर आपको किसी ने नहीं दिया हो। और जो लैंग्वेज होती है ना मेरी समझाने की, मैं ये कोशिश करता हूँ यार भाइयों को अच्छे से समझ आ जाए। अपने ही भाई हैं सारे के सारे, तो यार अपनी तरीके से ही समझेंगे, वो नहीं कि भाई एकदम अंग्रेजी में बात करूँ भाई और अच्छे से आप समझ नहीं पाओ उस चीज़ को, तो क्या फ़ायदा यार। तो मेरा यही मोटिव है कि यार थोड़ा टेक्निकल टर्म्स को हटा के प्यार से समझाऊँ, ताकि आप लोग समझ पाओ उस चीज़ को, थोड़ा आराम से अपनी भाषा में, देसी भाषा में समझाऊँ। और यही कारण था मैं यूट्यूब को मैंने ज्वाइन किया। तो यार बोर मत होना यार वीडियो को देखे, क्योंकि आपके लाइफ के ना, अगर आप एक दिन में ये 18 से 20 मिनट्स या 20 से 25 मिनट्स इन्वेस्ट कर रहे हो एक वीडियो को देखने में, तो डेफिनेटली आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलने वाला है इस एक वीडियो को देख के। क्या मिलने वाला है? आपको समझ आएंगे बाइनरी ऑप्शंस कैसे वर्क करते हैं, कैसे ये चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है, और कैसे स्ट्रैटजीज होती है। कभी आपको कोई इन फ्यूचर पूछता है भैया ये स्ट्रैटजीज क्या है, इस स्ट्रैटजी को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे यहाँ से हम पैसा कमा सकते हैं। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड ले रहा हूँ यार। देखिए, आपको पता है मैं बहुत सारी ट्रेड लेके आपको दिखा सकता हूँ, एक स्ट्रैटजी टेस्ट करने के लिए आपको बहुत ट्रेड लेके दिखा सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं एक या दो ट्रेड के बेसिस पे आपको एक स्ट्रैटजी बता रहा हूँ, नहीं, मैं ये चीज़ करना नहीं चाहता गाइस। मैं आपको बहुत सारी स्ट्रैटजीज बताना चाहता हूँ, लाइक स्ट्रैटजी के ऊपर बहुत सारी ट्रेड लेके दिखाने वाला हूँ, दिखाना चाहता हूँ, जिससे कि आपको ज़्यादा समझ आए। क्योंकि अगर एक दो ट्रेड में लेके आपको बता दूंगा तो मुझे नहीं लगता आप ज़्यादा समझोगे उस चीज़ को। आपको बस ये लगेगा कि यार वो तो एक तुक्के से ही जीत गया होगा, एक तो ऐसे ही जीत जाते, एक तो ऐसे ही प्रॉफिट ले लेता है।
तो उसमें आपको फ़ायदा नहीं होगा, या फिर काफ़ी सारे लोग होंगे जो मतलब मतलब सोचेंगे कि नहीं यार, तो यार मैं लेना बहुत सारी ट्रेड चाहता हूँ, बट यार रीज़न क्या हो जाता है ना इसका, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, और काफ़ी अगर लंबी वीडियो चली जाती है ना तो फिर आप लोग देखना प्रेफर नहीं करते उस चीज़ को, और फिर आप कमेंट करके लिखते हो कि यार बहुत बोलता है लेकिन इतना मत बोला कर, कम बोला कर, और ये सारी चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती यार फिर, क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए और फिर रिटर्न में मुझे ये सारी चीज़ें मिलती है, तो फिर मैं एक ट्रेड के साथ ही स्ट्रेटजी आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। इससे पहले कि मैंने वीडियोस आपको दिखाई हैं, दी हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, आप प्लेलिस्ट में आपको स्ट्रेटजीज़ के नाम से एक पूरा प्लेलिस्ट मिलेगा, एक फोल्डर मिलेगा जहाँ पे आप जाएंगे तो बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ मैंने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस की हुई हैं आप लोगों के साथ, है ना, जहाँ पे मैंने आपको बताया है काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज़ के बारे में और बहुत सारी चीज़ें। तो वो जो स्ट्रेटजीज़ हैं, काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज़ हैं जो एक दो ट्रेड के साथ ही मैंने आपको बताई हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। देखिए अभी तक वीडियो 21 मिनट की हो गई है, 21 मिनट की, तो यही तो अब इतनी बड़ी वीडियो हो गई, लोग देखना प्रेफर नहीं करते, तो यही मेन रीज़न यही है मेरी जो है काफ़ी इस कम ट्रेड लेने का, और लाइव कम ट्रेड लेने का जो मेन रीज़न आता है वो यही आता है। अब देखो, हम ये ट्रेड अगर हारते हैं, लॉस करते हैं, तो माइनर से डिफरेंस से करेंगे, और हमारा जो अमाउंट है वो $2 का था, और इससे पहले हमने $1 का जो अमाउंट है वो प्लेस किया था, यानी $3 का। अब मैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए इसको $5 कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि अगर ये नौ अगर ये हट जाता है ना यहाँ से, ये और डेफिनेटली हटने ही वाला है, ये देखिए देखिए ये अभी तक हटा नहीं है, अगर ये हट जाता है ना तो फिर हमारे पास एक चांस होगा $5 की ट्रेड डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्लेस करने का, एंड वी विल विन दैट फॉर श्योर। तो अभी थोड़ी सी वीडियो और लंबी जाएगी, आपको वेट और करना पड़ेगा थोड़ा सा, एक ट्रेड हम और लेंगे इस स्ट्रेटजी के बेसिस पे। पहले और कोई करेंसी देखते हैं, कोई हमें ताज़ा ताज़ा इंडिकेशन मिला हो तो हम उस पर जाएंगे, नहीं मिला हो तो फिर इसी को ही प्रेफर करेंगे। लेट्स सी नहीं नहीं अभी हमें कोई ताज़ा इंडिकेशन तो नहीं मिला है तो अभी हम वेट करेंगे। देखिए यहाँ पे एक अगर हम थोड़ी सी छोटी ट्रेड लेते तो हम विन भी कर जाते हैं। ये थोड़ा सा ना आपको अपने प्रैक्टिस पे भी डिपेंड होना है, लाइक थोड़ा सा कभी आप प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे करके तो आपको खुद भी समझ आने लग जाएंगी चीज़ें कि कैसे वर्कआउट होती है। अब हम थोड़ा सा वेट करेंगे यार, कोई साइड हमें थोड़ा कन्फर्मेशन मिल जाए, और यहाँ पर हमें कन्फर्मेशन मिल गया है एंड हम जाने वाले हैं एक मिनट की अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड में। अब मैंने एक मिनट की क्यों डाली है, अरे यार फिर से इन्वेस्टमेंट $2 की रह गई यार, $5 की सेलेक्ट की थी मैंने, अरे बाय मिस्टेक 5 की मैंने यहाँ सेलेक्ट की हुई है, और यहाँ पर मैंने 2 मिनट की सेलेक्ट की, $2 की सेलेक्ट की हुई है। ओके नो इश्यू, काफ़ी सारे लोग बोलेंगे भाई तेरी साउंड क्यों लो हो गई है यार, क्योंकि यहाँ पे मुझे $5 की सेलेक्ट करनी थी। देखिए यहाँ पे हमें इंडिकेशन मिला है अपवर्ड डायरेक्शन का, कि अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड रहने वाली है, और अभी सिर्फ 3 कैंडल हमें मिली थी पॉजिटिव, यानी हमारी स्ट्रैटजी को प्रेफर करते हुए हमें सिर्फ 3 कैंडल मिली थी। तो अब इस स्ट्रैटजी के अनुसार हमारे पास ज़्यादातर चांसेस हैं, यानी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि हमारी जो नेक्स्ट कैंडल्स हैं वो भी सेम डायरेक्शन में बनने वाली हैं। ठीक है, अरे यार प्रॉफिट तो हो गया लेकिन, अच्छा ड्रॉ हुई क्या ये ट्रेड, ओके ड्रॉ हुई, प्रॉफिट हुआ, नो लाइक $55 पे आ गए हम फिर से, ओके तो आज की सेशन से $5 का ही प्रॉफिट हुआ है, नॉट अ बिग डील लाइक, लेकिन $50 के इन्वेस्टमेंट पे $5 का प्रॉफिट ना इतना भी बेकार नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन यार वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, यहाँ पे भी अगर आप अपवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड लो ना तो भी विन करने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। यहाँ पे थोड़ा वेट करना मुझे लगता है सही रहेगा, यहाँ पे ट्रेड अभी नहीं लेनी चाहिए आपको, यहाँ भी आपको वेट करना चाहिए थोड़ा। ठीक है, आप जैसे ही प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको काफ़ी सारी ये जो इंडिकेशन है आपको समझ आ जाएंगे कि कैसे आपको ट्रेड लेनी है, कैसे आपको कितना टाइम बाद आपको ट्रेड लेनी है, जैसे आपको इंडिकेशन मिले। पहली बात बता देता हूँ यार, 100% मत डिपेंड होना, लेकिन आप लूप होल्स पे जाओगे ना तो आपको तरीके बहुत हैं यहाँ पे पैसा कमाने के। तो यार उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी आपको, लंबी ज़रूर बन गई है 25 मिनट के आसपास, बहुत पसंद आई होगी, लाइक आपने कर दिया होगा, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन ज़रूर हो गए होंगे, नहीं हुए हो तो अभी हो जाओ यार, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको, लाइक कर दी होगी ना आपने, डेफिनेटली यार भैया लाइक कर दिया करो यार वीडियो को। अगर सब्सक्राइब नहीं किया ना चैनल पे, फर्स्ट टाइम हो तो बैनरी एंड फॉरेक्स मार्केट के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहते हो, आने वाले टाइम में शेयर मार्केट पे भी जाएंगे, या पैसा कैसे कमाना है ऑनलाइन मार्केटिंग से, तो ये सारी चीज़ें आपको यहीं मिलने वाली है, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को। चलिए गाइस मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।